नमस्ते सर, हम मंगलयान प्राइमरी स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी कृति का नाम इको फ्रेंडली प्लास्टिक सॉल्यूशन है। इस कृति को दो विभाग में बांटा गया है। पहला विभाग इको फ्रेंडली बायो प्लास्टिक बनाना, जो पर्यावरण को नुकसान न करे ऐसा प्लास्टिक बनाना। दूसरा विभाग जेरी केमिकल युक्त प्लास्टिक का पुनः उपयोग। केमिकल युक्त प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानकारक है, इसलिए हम इसके विकल्प के रूप में यह इको फ्रेंडली बायो प्लास्टिक बनाते हैं। तो चलिए, इको फ्रेंडली बायो प्लास्टिक कैसे बनता है वो मेरा मित्र मेहुल आपको समझाएगा। इको फ्रेंडली बायो प्लास्टिक उद्देश्य पर्यावरण में प्रदूषण मुक्त प्लास्टिक का विकल्प खोजना। सिद्धांत, यह एक कुदरती पॉलीमर है जो कॉर्न फ्लोर, विनेगर, ग्लिसरीन और पानी की एक नानकड़ी क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। साधन सामग्री, नॉनस्टिक कढ़ाई, इलेक्ट्रिक सगड़ी, 100 मिली पानी, कॉर्न फ्लोर, विनेगर, ग्लिसरीन, फूड कलर, एक चम्मच। विधि, सबसे पहले हमें 100 मिली पानी एक कढ़ाई में ले लेना है, उसमें एक चम्मच कॉर्न फ्लोर डालना है, एक चम्मच विनेगर डालना है, एक चम्मच ग्लिसरीन डालना है और एक चुटकी फूड कलर डाल देना है। इस मिश्रण को हमें 10 मिनट तक गर्म करना है। इस मिश्रण को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक ये जेली पेस्ट जैसा ना बन जाए। इस मिश्रण को हमें 2-3 दिन तक सूखने देना है। बाद में हमारा बायोप्लास्टिक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ऐसे बायोप्लास्टिक बनता है। बायोप्लास्टिक की चीजों को जमीन में नष्ट होने के लिए लगता समय, बायोप्लास्टिक की बोतल को जमीन में नष्ट होने के लिए 80 दिनों का समय लगता है। बायोप्लास्टिक के ग्लास को जमीन में नष्ट होने के लिए 50 दिनों का समय लगता है। बायोप्लास्टिक की चम्मच को जमीन में नष्ट होने के लिए 45 दिनों का समय लगता है। बायोप्लास्टिक चक्र, मक्का फैक्ट्री में जाता है, उसमें से स्टार्च अलग किया जाता है। स्टार्च में से बायोप्लास्टिक की चीजें बनाई जाती है। वो चीजें बक जाने के बाद जमीन में फिर से रूपांतरित हो जाती है और फिर से मक्का उगाया जा सकता है। बायोप्लास्टिक के लाभ, बायोप्लास्टिक को हम केमिकल प्लास्टिक की जगह पे भी ले सकते हैं। बायोप्लास्टिक की हम बैग तथा अन्य चीजें बना सकते हैं। ये बायोप्लास्टिक पर्यावरण के लिए लाभदायक है। यह हमने इको फ्रेंडली कंपाउंड वॉल बनाई है। तो चलिए, इको फ्रेंडली कंपाउंड वॉल कैसे बनाते हैं यह मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसमें ठूस ठूस के माटी भरनी है और उसका ढक्कन मजबूत तरह से बंद करना है। इको फ्रेंडली कंपाउंड वॉल को हम इस तरह ईंटों की जगह भी ले सकते हैं। यह देखिए, यह ईंट से भी ज्यादा मजबूत है। इको फ्रेंडली कंपाउंड वॉल के लाभ, इको फ्रेंडली कंपाउंड वॉल कीमत में सस्ती होती है क्योंकि यह वेस्ट प्लास्टिक से बनती है। इको फ्रेंडली कंपाउंड वॉल की मदद से हम घर, साला की कंपाउंड वॉल, गार्डन आदि बना सकते हैं। इस तरह प्लास्टिक नाम के दुश्मन को बोतल में बंद करके दोस्ती बनाए। यह प्लास्टिक पिघलने की भट्टी है, इसमें हम ये केमिकल युक्त प्लास्टिक पिघल कर यह इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक बनाते हैं। तो चलिए, इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक कैसे बनता है यह मैं आपको समझाता हूँ। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक बनाने की जरूरी साधन सामग्री, प्लास्टिक का कचरा, दूध की थैली, पॉलीथीन बैग, रेत, बीबा, प्लास्टिक का बॉटल। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक को तैयार करने की कार्य पद्धति, सबसे पहले प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करें। प्लास्टिक के कचरे को साफ करके 1:3 के परिमाण में मापे, यानी कि एक ब्लॉक के लिए 500 ग्राम प्लास्टिक और 1500 ग्राम रेत। रेत को सही तापमान में गर्म करके उसमें धीरे धीरे प्लास्टिक पिघलते जाए। इस तरह एक रस मिश्रण बनाए। तैयार हुए मिश्रण को पहले से ही तैयार पीपे में डाला जाता है। इस पीपे को 2 घंटे के लिए ठंडा होने दे। यदि पीपा थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको पानी में डुबा कर 2-4 मिनट तक रहने दे और फिर इसमें से इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक को निकाल देता जाता है। इस तरह इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक तक बनते है। ये देखिए, जो ईंट से भी ज्यादा मजबूत है, इसे हम ईंट की जगह भी ले सकते है। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक के गुणधर्म, इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक सीमेंट ब्लॉक की तुलना में वजन में हल्का होता है।
प्लास्टिक का बनाया होने से पानी की असर नहीं होती है। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक अन्य ब्लॉक की तुलना में मजबूत और सख्त है, इसलिए उष्मा अवाहक होने से 150 डिग्री सेल्सियस तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक के लाभ। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक कीमत में सस्ता होता है क्योंकि यह वेस्ट प्लास्टिक से बनता है, पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण की रक्षा करता है और प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करता है। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक को हम सही जगह से ले सकते हैं। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक का उपयोग हम घर, शाला की कंपाउंड वॉल, कार्यालयों, रास्ते, मंदिर आदि जगह पे कर सकते हैं। इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक की भविष्य की संभावना है। प्लास्टिक के ब्लॉक के कारखाना स्थापित सकते हैं। प्लास्टिक में अन्य पदार्थ मिलाकर प्लास्टिक की असरकारक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्लास्टिक का रिसाइकल करके पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। यह देखिए, यह हमने इको फ्रेंडली लाइफ जैकेट बनाया है, तो इको फ्रेंडली लाइफ जैकेट कैसे उपयोग में आता है वो हम एक वीडियो द्वारा समझेंगे। यह हमारी मंगलयाना प्राइमरी स्कूल के तालाब में मैंने ये अवलोकन किया था, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं पानी में डूब नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे शरीर के आगे के हिस्से में 3 बोतल बांधे हैं और पीछे के हिस्से में 3 बोतल बांधे हुए। इस लाइफ जैकेट के बोतलों के अंदर थर्मोकोल भरा है, इसलिए हम जितने भी गहरे पानी में क्यों ना जाए लेकिन हम पानी में डूब नहीं सकते है। तो चलिए, इको फ्रेंडली लाइफ जैकेट कैसे बनता है यह मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नकल प्लास्टिक की 6 बोतलें को इकट्ठा करें। प्लास्टिक की बोतल में 6 नंबर के छोटे छोटे चूटे डालकर इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दे। डोरी की मदद से शरीर के आगे के हिस्से में 3 बोतल बांधे और शरीर के पीछे के हिस्से में 3 बोतल बांधे। इस तरह हमारा इको फ्रेंडली लाइफ जैकेट तैयार हो जाता है। इस लाइफ जैकेट की मदद से हम हजारों लाखों लोगों की जान बचा सकते है। लाइफ जैकेट मछली पकड़ने वालों के लिए भी खूब उपयोगी है। हमें इस इको फ्रेंडली प्लास्टिक सॉल्यूशन नाम की कृति से 2 लाभ होते हैं। पहला तो हम इको फ्रेंडली बायो प्लास्टिक बनाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करता ऐसा प्लास्टिक बनाते हैं, और जो पर्यावरण को नुकसान करता है ऐसा प्लास्टिक है उसका हम सदउपयोग करके यानी कि रिसाइकल करके इको फ्रेंडली कंपाउंड वॉल, इको फ्रेंडली प्लास्टिक ब्लॉक और इको फ्रेंडली लाइफ जैकेट बना सकते हैं। इस तरह हम पर्यावरण और पृथ्वी पर के सजीवों को बचा सकते हैं और हमारी पृथ्वी का योग्य व्यवस्थापन हो, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।